हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फटाफट क्रिकेट का मेला यानी T20 वर्ल्ड कप जो कि शुरू हो गया, लेकिन भारतीय फैंस को जिस मैच का इंतजार था वो आ गया। भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को अपने कैंपेन के स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के 8वें मैच की, जो कि 5 जून को न्यूयॉर्क के नासाउ कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम सुहाना रहेगा, ह्यूमिडिटी 38% रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर पिच एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे न्यूयॉर्क के पीछे T20 बैटर्स के लिए चुनौती पेश करती है, ये दो गति वाली विकेटें T20 में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तेज और सपाट पिच से अलग है। न्यूयॉर्क के पीछे अपनी स्लो सतह और स्लो आउट फील्ड के लिए जाने जाते हैं। यह कंडीशन उन गेंदबाजों को फायदा पहुंचाता है जिसके पास बहुत सारी वेरिएशन है, जैसे कि कुलदीप यादव हो गए, जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा शुरुआती सीम मूवमेंट स्विंग बॉलर्स की मदद करेगी, जैसा कि हमने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच पिछले गेम में देखा था। इसमें ओपनिंग बैटर्स के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अब बात करते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं। वहीं पर आयरलैंड 0 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पर इंडिया 7 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पर 0% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पर 100% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 77 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 80 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे भारत की बैटिंग लाइनअप में एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है जो अपने दिन किसी भी बॉलिंग अटैक पर हावी हो सकती है। जहाँ पे रोहित शर्मा बिना ज़्यादा गेंदे बर्बाद किए विस्फोटक शुरुआत देने की उम्मीद है। विराट कोहली का हालिया IPL परफॉर्मेंस, जिसमें उन्होंने 155 के स्ट्राइक रेट से 15 मैचों में 741 रन बनाए, वहीं फॉर्म में वापसी का संकेत देता है। ओपनिंग स्लॉट में उनका प्रमोशन एक अच्छा स्टेप हो सकता है। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, ऋषभ पंत शामिल हो सकते हैं, जो अपनी बाउंड्री और क्लीनिंग की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। यादव शानदार परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं, उन्होंने पिछले साल 11 इनिंग में 42.36 की एवरेज से वही 466 रन बनाए थे। जहाँ पे शिवम दुबे स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पंत ने भी IPL और फिर बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की झलक दिखाई है। भारतीय बैटिंग में इस समय एक भरोसेमंद फिनिशर की कमी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का हालिया परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। वहीं बॉलिंग अटैक में जहां पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज न्यू बॉल की जोड़ी शामिल होने की संभावना है, वहीं पर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा को स्पिन जोड़ी इस पिच पर तहलका मचा सकते हैं। हार्दिक पांड्या 5वें बॉलर के रूप में बॉलिंग करेंगे, वहीं शिवम दुबे जो कि 6ठे गेंदबाजी के विकल्प में रूप में माना जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली, शिव कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी आयरलैंड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर आयरलैंड ने हाल ही में T20 प्रारूप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी टीमों को हराया। इसके अलावा नीदरलैंड ट्राई सेशन में T20 सीरीज में उनकी हालिया सीरीज जीत उनकी एबिलिटी को दर्शाती है। हालांकि भारत जैसी टीम को हराने के लिए आयरलैंड ने अपनी पूरी ताकत लगा खेलना होगा। वहीं पर आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप में एक्सपीरियंस और टैलेंटेड यंगस्टर का मिश्रण होगा, जहां पर कप्तान पॉल स्टेरलिंग टीम को लीड करेंगे, जबकि पिछले साल 18 इनिंग में 28.50 के औसत से 513 रन बनाने वाले एंड्रयू बाल्विन टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। युवा बैटर जहां पर हैरी टेकर और लॉरेंस टकर जो कि बड़े शॉट लगा सकते हैं, वहीं पर मिडिल ऑर्डर में जहां पर कर्टिस कैम्फर और जॉर्ज डेला ने बैटिंग लाइनअप को वेरिएशन और डेप्थ प्रदान करते हैं। अगर मार्क एडेयर टीम की बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे, उन्होंने अपनी पिछली 19 इनिंग में 15.64 के शानदार एवरेज के साथ 34 विकेट लिए थे। वहीं लेग स्पिनर जहां पर बेन वाइट और मीडियम पेस बॉलर बैरी मैकार्थी ने टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले साल दोनों ने 18 विकेट लिए थे और कम से 22.61 और 26.33 के एवरेज के साथ। वहीं पर जॉस लेट जो टीम के एक्स फैक्टर होंगे, उन्हें IPL में खेलने का एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं आयरलैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि पॉल स्टेरलिंग है, एंडी बाल्विन है, लॉरेन टकर है, हैरी टेकर है, जॉर्ज डॉकरेल है, गैरेथ डेनली है, कर्टिस कम्फर है, मार्क एडेयर, बैरी मैकार्थी, जॉस लिटल, बेन वाइट है।
और कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि पॉल स्टर्लिंग है, एंडी बल्ब्रिन है, जॉस लिडिल है। तो अब आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके प्रेडिक्शन कंक्लूजन देखते हैं। आयरलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड संदा रहा है, उन्हें अब तक उनके खिलाफ सभी 7 T20 मैच जीते हैं, यह दबदबा उन्हें फेवरेट बनाता है। लेकिन आयरलैंड को कमजोर समझना भूल होगी, पिछले महीने में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। दोनों टीम्स के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए भारत बहुत आगे चल रही है, जिसको देखते हुए आज का मैच में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया होगा, यहाँ पे आयरलैंड को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।